नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्र एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी फाइनल ईयर का क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यानी कि क्वांटम फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उपयोग कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ किया, कहाँ कहाँ इसको सफलता मिली, कहाँ इसको असफलता मिली, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेसन थर्ड लेसन है, जो सेकंड लेसन और फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल हैं, वो हम क्या तो अभी एक दो दिन के बाद क्लासों में करवा देंगे या फिर आगामी क्लासों में करवाए जाएंगे। आज हमारा तीसरा लेसन है क्वांटम प्रभाव लेसन है, क्वांटम प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्वांटम इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम इफेक्ट। अब सबसे पहली बात की इसका क्वांटम इफेक्ट है, जिसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो 19वीं शताब्दी से पहले का फिजिक्स था, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स था, उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, इनकी व्याख्या करने के लिए हमारे को नए नियमों की आवश्यकता पड़ी, और उन नियमों को हम क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वांटम प्रभाव क्या कहता है, इसमें अपना पहला टॉपिक है क्वांटम एक्सपेरिमेंट। क्वांटम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी क्वांटम प्रभाव, क्वांटम प्रयोग। सन 1905 में क्वांटम नामक वैज्ञानिक ने, किसने? सन 1923 में क्वांटम नामक वैज्ञानिक, किसने? क्वांटम नामक वैज्ञानिक क्या किया? क्वांटम नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण ली, यानी कि एक्स किरणों का प्रयोग किया, किनके द्वारा? ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेफाइट ब्लॉक के द्वारा, जो परकेंद्रित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य का मापन किया। इसके द्वारा क्या किया कि सन 1923 ईस्वी में क्वांटम नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण, यानी कि जो एक्स किरण होती है, परकीर्णक प्रयोग का ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा परकीर्णित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्यों का मापन किया, और यह स्पष्ट भी किया। और क्या स्पष्ट किया? कि इसमें दो प्रकार के तरंग दैर्ध्यों वाली एक्स किरण परकीर्णित होती है। दो प्रकार के तरंग दैर्ध्यों वाली एक्स किरण क्या होती है? परकीर्णित होती है। अब जिस जो इसका प्रयोग की व्यवस्था है वो इस प्रकार है, ये एक्स किरण स्रोत है। क्या ये एक्स किरण स्रोत? ठीक है, यहां से किरणों को आपतित करवाया जाता है, यहां से किरणों को आपतित करवाया गया, ये इनको आपतित करवा दिया, किस पे? परकीर्णक पे, ये परकीर्णक हो गया। आप तो एक्स किरण लिखे हैं, आपतित एक्स किरण, ये क्या है? परकीर्णक। इसके बाद में एक क्रस्टल ले लेगी, ग्रेफाइट क्रस्टल अभी हम नाम ले रहे थे उसका, मानो वो यहां स्थित है,
और एक एक्स किरण संसूचक में जो ये किरणें होती है ये चली जाती है। ये हो गया एक्स किरण संसूचक। ये हो गया क्रिस्टल और ये हो गई किरण, कोई सीधी भी निकल जाती है। ये जो है अपना एक प्रायोगिक व्यवस्था है स्थितर की कि एक प्रकीर्णित एक्स किरण का तरंग धैर्य, एक प्रकीर्णित एक्स किरण का तरंग धैर्य आपतित एक्स किरण के तरंग धैर्य के समान होता है। यानी कि इसमें हमने पढ़ा कि साल 1923 ईस्वी में कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण प्रकीर्णित प्रयोग को ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरण के तरंग धैर्यों का मापन किया जाता है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें दो प्रकार के तरंग धैर्यों वाली एक्स किरण प्रकीर्णित होती है। ठीक है, दो प्रकार की, एक तो कौन सी कि एक प्रकीर्णित एक्स किरण का तरंग धैर्य तो आपतित होने वाली एक्स किरण के तरंग धैर्य के समान होता है तथा दूसरी एक्स किरण का तरंग धैर्य आपतित एक्स किरण के तरंग धैर्य से थोड़ा सा अधिक होता है। समझ में आया? क्या लिखेंगे? सन 1923 में, यहां लिख देता हूं मैं, कॉम्पटन ने क्या किया, कॉम्पटन ने एक्स किरण प्रकीर्णित प्रयोगों को, एक्स किरण प्रकीर्णित किरणों को प्रयोगों को, एक्स किरण प्रकीर्णित प्रयोगों को किसके द्वारा, ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा, ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरण के तरंग धैर्यों का, एक्स किरण के तरंग धैर्यों का क्या किया, मापन किया, मापन किया तथा यह स्पष्ट किया, तथा यह स्पष्ट किया कि इस प्रयोग से क्या होता है, इसमें दो प्रकार के तरंग धैर्य वाली, इसमें दो प्रकार के तरंग धैर्य वाली क्या प्राप्त होती है, एक्स किरण प्रकीर्णित होती है, एक्स किरण प्रकीर्णित होती है ठीक। उसके बाद दो एक्स किरण प्रकीर्णित हो गई, अभी इसमें एक तो यानी कि कौन कौन से तरंग धैर्य वाली प्राप्त होती है, एक प्रकीर्णित एक्स किरण का तरंग धैर्य, एक प्रकीर्णित एक्स किरण का तरंग धैर्य किसके समान होता है, आपतित, किसके समान होता है, आपतित एक्स किरण के तरंग धैर्य के समान होता है, आपतित एक्स किरण के तरंग धैर्य के समान होता है। दूसरा क्या कहा है कि दूसरी एक्स किरण का तरंग धैर्य है, दूसरी एक्स किरण का तरंग धैर्य है आपतित एक्स किरण के तरंग धैर्य से थोड़ा अधिक होता है, आपतित एक्स किरण के तरंग धैर्य
से थोड़ा अधिक होता है। दोनों बातें स्पष्ट होगी क्या? कि एक का तो आपतित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य के समान होता है, दूसरी का आपतित एक्स जो किरण है उसके तरंग दैर्ध्य से थोड़ा अधिक होता है। दोनों परकीर्णित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का अंतर क्वांटम विस्थापन कहलाता है। दोनों परकीर्णित एक्स किरणों के दोनों परकीर्णित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्यों का अंतर दोनों प्रकीर्णित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्यों का अंतर क्या कहलाता है? क्वांटम विस्थापन कहलाता है। क्वांटम विस्थापन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यह क्वांटम विस्थापित किस पे निर्भर करेगा? प्रकीर्णित कोण पर निर्भर करता है, तथा यह क्वांटम विस्थापन किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णक कोण पर निर्भर करता है। यह क्वांटम विस्थापित प्रकीर्णक कोण पर निर्भर करता है। आप ध्यान से सुनो, एक्स किरण प्रयोगों में आपाती एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण के पाए जाने की घटना को क्वांटम प्रभाव कहते हैं। क्या कहा है? कि जो हम एक्स किरण प्रकीर्णक प्रयोग कर रहे हैं इसमें क्या आपाती एक्स किरण है, आपाती एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण के पाए जाने की घटना। क्या कहा इसने? एक्स किरण प्रयोग में, एक्स किरण प्रयोग में, एक्स किरण प्रयोग में आपाती एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से, आपाती एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से अधिक, आपाती एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण के पाए जाने की घटना, एक्स किरण के पाए जाने की घटना क्या कहलाती है? को क्वांटम प्रभाव कहते हैं। क्वांटम प्रभाव कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना। क्या कहना चाह रहा है? इसमें बताया गया है कि भाई क्वांटम नामक कोई वैज्ञानिक था, उसने 1923 ईस्वी में एक्स किरण प्रयोग किया और एक्स किरण प्रयोग को ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य का मापन किया और इस प्रयोग से उन्होंने बताया कि इसमें दो प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण पाई जाती है, प्रकीर्णित होती है। फिर उसके बाद आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है और फिर बताना है कि एक प्रकीर्णित एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य आपतित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, दूसरी एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य आपतित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से थोड़ा अधिक होता है, और जो ये दोनों प्रकीर्णित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य के मध्य जो अंतर पाया जाएगा वो क्वांटम विस्थापन कहलाता है। क्वांटम विस्थापित प्रकीर्णक कोण पर निर्भर करता है। उसके बाद इसने बताया है कि एक्स किरण प्रकीर्णक प्रयोग में आपाती एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण के पाए जाने वाली जो घटना होगी उसको ही हम क्वांटम इफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको टॉपिक डालना है और ऐसे कैसे आपको अपने रफ नोटबुक में राइट करना है। अब चिरसम्मित सिद्धांत में क्या कहा था कि प्रकीर्णक के पश्चात जो आपाती एक्स किरण है
उससे अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों की व्याख्या वो सही नहीं कर पाए थे, यानी कि उसमें सफल नहीं रहा था। तो आज के लिए काफी है। क्या ये जो परिभाषा है एग्जाम में पूछी जाती है, और ये भी पूछा जाता है कि क्वांटम प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो धन्यवाद, आपको ये यहाँ तक लिखना है और समझना भी है। ठीक है, ओके।